C'era molto tempo, c'è nell'anima, c'è nell'indesa, paramita te padevindipa, namiyo si tesho, guru vishi gupati rui, gupati nyan shekha, tarani tarani samarthi muni, गुरु संसार निवा धम्म चत्तो जिन्वरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव्यो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वरमानुष्कार। श्री कमलोत्तिशी ग्रंथाधिराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमपापरमभावदर्शी परं जिनं परमेष्ठी नमाम्यं परं देवदेवशी। बोले आचार्य व शत्रु संत तारण कमलाचार्य जी महाराज जी की इच्छा। मंगलाचरण। श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनन परमात्मा की अमृत ज्ञान में रसथा श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ अपन निरंतर जायक स्वभाव की महिमा तत्व के स्वरूप को जानने का अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग में दृष्टि का विषय कहो, परम उपाधेय कहो, पूर्णतः कहो, जो कहना है वो कह लो, वो परम उपाधेय अपना निज तत्व ही है बस। और तत्व का ही पराया नहीं होता, क्योंकि तत्व का अर्थ होता सार। जैसे तत्व में जब भी तत्व की बात की जाएगी तो पराये की बात नहीं की जाएगी। तो तत्व क्या भैया? जीव अजीव वंद संभव, जीव अजीव आश्रव वंद संभव निजरा मोक्ष। ये भाई ये पूरे तत्व हैं, सात तत्व हैं। तो ये सातों तत्व एक ही जीव में परिणमित होते हैं, अलग अलग जीव में नहीं। अच्छा, कोई सिद्ध करके बता रहा है क्या? ये सातों तत्व एक ही जीव का परिणाम है। ये जो सात तत्व के नाम सुन रहे हैं ना भगवान, है तो सात आपके तत्व एक ही होता है।
बिल्कुल सही, लेकिन बहुत कठिन भाषा, आगम की भाषा, बहुत बिल्कुल एकदम सटीक जवाब दिया है उदय भैया ने कि सातों तत्व, तत्व कह रहे हैं अपन, अर्थात ये सातों तत्व मतलब ये अपने एक जीव का परिणाम है। ये जो अपन सातों तत्व की जो बात कर रहे हैं, ये कोई अलग अलग जीव का परिणाम नहीं है। तत्व मतलब होता है जीव की दृष्टि का विषय, अर्थात जीव की दृष्टि जहां है वैसा वो परिणमित हो रहा है। हम सरल कर देते हैं इसे, जीव स्वभाव तो मेरा अनादि अनंत है भाई, बस उपादान शक्ति का नाम जीव तत्व। जीव है तभी तो ये सारा परिणाम है भैया। और जीव जब मन में आतुर होता है तो अजीव, मन में आतुर होगा तो अज्ञान में प्रणमन करेगा, पर में प्रणमन करेगा अजीव, और जब मन में प्रणमन करते हुए शुभ अशुभ भाव करेगा तो भैया क्या होगा, आश्रम। शुभ अशुभ भाव उसके बाद इस पुण्य पाप का जो कर्म बनेंगे वो क्या होगा भैया, बंध। और भगवान जी यदि सम्यक दर्शन आदि रत्न की प्राप्ति करेगा, अपने आत्मा की प्रतीति अर्थात आत्मा में एकाग्र होगा, चित्त उपयोग यदि अंतर में जाएगा तो क्या होगा भैया, संवर। स्वभाव में एकाग्र होगा तो संवर, और एकाग्रता के साथ स्वभाव में लीनता बढ़ेगी, जो कर्मों का जो झरना होगा वो निजरा। और भगवान आत्मा जो अपने स्वरूप का मुक्त आत्मा का वेदन कर रहा है या फिर 8 कर्मों से रहित होके ऊर्ध्वगमन स्वभाव में निवास कर रहा है, उसका नाम मोक्ष। सातों तत्व जीव का ये अभी वर्तमान परिणाम है, जब जीव की दृष्टि जहां, जीव की दृष्टि जैसी है, एक जीव की दृष्टि जैसी है वो वैसा परिणमित हो रहा है। वो चाहे तो अजीव रूप परिणमित हो जाए, मन में आतुर है तो अजीव, मन मानी कर रहा है तो आश्रव, मन मानी करने से जो आश्रव उसे कर्म रुक रहा है वो बंद। अपने हाथ में है सब कुछ भगवान। तत्व की चर्चा, अपन तत्व की चर्चा क्यों करते हैं, अपन जब भी भैया बोलते हैं तत्व चर्चा के लिए बैठ रहा, तत्व की चर्चा करना है। तत्व की चर्चा करना मतलब भैया अपने को दृष्टि के भेद को समझना है, क्योंकि दर्शन धर्म का मूल है, दर्शन धर्म का मूल है जीवात्मा। और जब तक ये जीव उस मूल को, उस धर्म के मूल को नहीं जानेगा, तब तक जीव को तत्व का बोध नहीं होगा। दर्शन धर्म का मूल है। तो ये 7 तत्वों का जो चिंतन उदय भैया ने अपने लिए अब कराया है, इन 7 तत्वों का चिंतन जो अपने लिए करता है, उसकी दृष्टि वो जानता है कि देखो कब कब मैं अजीव रूप परिणमित हो रहा हूँ, कब मन में आतुर हो रहा है, कब ये रागादि विकारी परिणाम में जीव जुड़ रहा है, कब भैया कर्मों का बंध कर रहा है। ये सब ज्ञानी जीव की दृष्टि का विषय है। ज्ञानी जानता है कि कब संवर की भावना है, कब वो अपने स्वभाव की रुचि से अपने तत्व में एकाग्र हो रहा है, कब वो स्वरूप में लीनता से कर्मों की निचरा कर रहा है। मुक्त स्वभाव का वेदन करने वाला परम उपाधे मोक्ष तत्व भैया। तो परम उपाधे जीव को अपना स्वभाव कितना प्रिय लग रहा, कितना स्नेह लग रहा, कितना स्नेह हो रहा जीव। ये 7 तत्व दिए क्यों भगवान जी, 7 तत्वों की चर्चा क्यों है, तत्व की ही चर्चा क्यों है, द्रव पदार्थ और अस्थिकाय की चर्चा क्यों नहीं। वैसे तो पूरे 27 तत्व है, लेकिन मुख्य मूल प्रयोजनी प्रयोजनी 7 तत्वों में भैया क्या कहते हैं, तत्व की चर्चा। मेन तो ये चर्चा करो कि इस जीव का क्या चल रहा है, बाकी की चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले तो जीव को देखो, जीव कि जीव का उपयोग कहाँ जा रहा है। जीव खुद अजीव रूप प्रणमन कर रहा है, देखो देखो खुद खुद के प्रणमन को देखने के लिए तत्व की चर्चा करी जाती है। मैं क्या कर रहा हूँ, अरिहंत परमात्मा का क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती का क्या हुआ, क्या बोलते अर्जुन का क्या हुआ, ये सब उदाहरण तो आगम में सिर्फ इस साक्षी के लिए है कि प्रणमन की दशा अलग है और उनके अंदर का वैराग अलग, उनके अंदर की स्थिति अलग है। ये सारे उदाहरण अपन जो देते हैं वो सिर्फ इस बात के पोषण के लिए देते हैं कि जीव को बहुमान आए कि देखो विपरीत अवस्थाओं में भी कैसी साधना होती, क्या साधना क्या है। तीर्थंकरों का उदाहरण, ये सब उदाहरण ये तो इस साक्षी के लिए देते हैं। किस साक्षी के लिए, कि देखो भगवान जी पंचम काल में भी आचार्य तारण स्वामी ने कैसी साधना करी, कैसे भीतरागता का डंका बजाया, कैसी उनकी ध्रुव परिणति थी, कैसे आनंद में डूबते थे। ये सारे महापुरुषों के उदाहरण तो सिर्फ इसलिए देते हैं कि तुम्हें विश्वास आए इस भीतराग मार्ग का, तुम श्रद्धा करो कि ये भीतराग मार्ग उस शुद्ध मार्ग की, तुम्हें शुद्ध मार्ग की रुचि जागे। लेकिन भैया तत्व की चर्चा इसलिए क्यों, क्यों ये तत्व की चर्चा इस क्यों, क्योंकि
क्योंकि तत् बताता है, तत् दर्शाता है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम तुम्हारी दृष्टि कहां है, तुम्हारी दृष्टि कहां है। तत् ये स्पष्ट करता है कि वर्तमान में तुम कहां हो, तुम क्या देख रहे हो। जीव अनादि अनंत शक्ति तो तुम हो, उपयोग लक्षण में स्वभाव तो तुम्हारा है भैया, जीव तत्व तो तुम हो, लेकिन यदि तुम परभाव में मन में आतुर होके, मन के मन में आतुर होके यदि तुम भैया अज्ञान में परिणाम कर रहे हो तो तुम जीव होते हुए भी अजीव हो। शरीर आदि से मन वचन गाय से संबंध ही अजीबपना है, जड़त्वपना है। कल ही अपन ने कहा था ना, अप्पा पर पिक्षन, तो आत्मा और पर को पहचानो, आत्मा को पर की यथार्थ पहचान करो भैया। तो यदि तुम आत्मा होते हुए जीव तत्व होते हुए भी यदि मन वचन काय के योग से संबंध बना के पर भाव में रति कर रहे हो तो क्या होगा भैया, अजीब जीव, जीव होते हुए भी अजीब, अजीब पना तुम में, अजीब अजीब पना काया में, जीव होते हुए अजीब हो तुम। कैसे है भैया जी, क्योंकि आपका एकत्र आपकी अपनत्व की भावना, आपके मैं बने की भावना पूर्ण रूपेण पर में परिणमित हो रही है, आप अजीब हो भी। मन में आतुरता के कारण ये मन आपको मोह में अंधा करके जो शरीर मन वचन काय में प्रणमन करा रहा है ये अजीवत है, जड़त है। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है जीव होते हुए भी यदि अजीव में एकत्वपना करोगे तो नियम से भैया जो राग आदि विकारी भाव होंगे वो सब आश्रव के भाव, और इन आश्रव भाव से जो नवीन द्रव कर्म भाव का नव कर्म का संचय होगा, कहने लगे भैया जो द्रव कर्म आके बनेंगे आत्म प्रदेशों को ढकेंगी कर्मणाए, कहने लगे भैया ये सब बंद। वही क्या करे, एक देश उपाधि संभव तत्व है भाई, सम्यक दर्शन की सिद्धि करो, शुद्ध वितराग तत्व की स्वीकारता करो, स्वीकार करो भगवान की वाणी को, तत्व की रुचि जगा, तत्व की रुचि जगाओ, क्योंकि तत्व की रुचि से उपलब्ध होने वाला सम्यक ही संभव तत्व है, संभव के बिना कभी निजरा नहीं होगी। बहुमान जगाओ अपनी आत्मा का, बहुमान जगाओ अपने निज अंतर वैभव का, बहुमान जगाओ अपने ज्ञायक तत्व का, क्योंकि जीवात्मा अपने ज्ञायक तत्व का बहुमान जगाओगे, अपने चैतन्य में वितराग तत्व का बहुमान जगाओगे तो ही निजरा का मार्ग आएगा भैया, तो ही आगे निजरा होगी, निर्जरा। ठीक है, आपको अपना मार्ग बनाना पड़ेगा भैया। मार्ग कैसे बनाए, गुरु महाराज कह रहे हैं भैया सम्यक्ति की भावना तो भाव, अप्पा पर पिक्षन, आत्मा और पर में यथार्थ भेद ज्ञान की ज्योति जला। देखो ये संभार तत्व आश्रव बंद ये किसी और की चर्चा नहीं है, देखो देखो अपन तत्व चर्चा सुनते हैं ना ऐसा लगता है ये चर्चा किसी और की चल रही है, भेद ज्ञान की बात करते हैं ना ऐसा लगता है चर्चा किसी और की चल रही है, लेकिन ये सात तत्व कह के ये कहा गया है ये चर्चा और किसी की नहीं चल रही, ये तेरे दृष्टि का परिणाम बताया जा रहा है। तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है, यही तेरे यही तू तेरे तेरी दृष्टि में यदि तेरा निज स्वभाव है सम्यक दर्शन आदि का परिणाम है तो कह संभव, और इसके साथ निजरा तो होगी भैया, तब के द्वारा निजरा होती है, जब जीव आत्म ध्यान में लीन होता है तब से निजरा। और भैया इसके बाद आचार्य तारण स्वामी अंत में कह रहे हैं भैया देख परम उपाधे तो मोक्ष ही है, दृष्टि का पूर्ण विषय तो अपना मुक्त आत्मा ही है, आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है, आत्मा समस्त बंधनों से परे है, आत्मा में कोई बंधन नहीं, अबंध तत्व है। देख इस सातों तत्व मात्र तेरी दृष्टि का विषय, तेरे श्रद्धान का विषय है, तेरे श्रद्धान का विषय, यदि तेरा श्रद्धान विपरीत है तो तू अजीब आश्रव और बंध रूप परिणमित होगा, जीव होते हुए भी अजीब आश्रव बंध रूप परिणमित होगा, और यदि तेरा श्रद्धान सम्यक है तेरी दृष्टि में तेरा विद्राग तत्व है तो तू जीव होते हुए कहां परिणमित होगा, वर्तमान संसार दशा में संभर और निजरा रूप, और भैया मुक्त स्वभाव में परम उपाधे मोक्ष तत्व दृष्टि होने के कारण से भैया वो मोक्ष तत्व का अनुभव तो वर्तमान में होगा ही, और संभर निजरा के द्वारा सारे कर्मों का नाश करके ये आत्मा ऊर्ध्वगमन करते हुए अपने शाश्वत मुक्त पद को पा ले, संपूर्ण मोह का विनाश करके मुक्ति को प्राप्त कर ले। ये साधना है, और ये साधना जीव की अपनी दृष्टि की, अपनी स्वीकारता की, अपनी मान्यता की भैया। तो देखो तो और जीव अपनी मान्यता को छोड़ के, अपनी साधना को छोड़ के, अपनी दृष्टि को छोड़ के पर पर्याय भाव में रति करने के लिए तैयार है, जीव की स्वयं की साधना का विषय। जब तो तारण स्वामी ने कह दिया अप्पा पर पिक्षन, तो कि वो जीव जो इन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करता है, जो इन सात तत्वों को भली भांति जानता है, इन सात तत्वों की जो चर्चा हो रही है ना भैया,
इन सात तत्वों को जो जीव भली प्रकार से भली भांति जानता है वही 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 जीव भैया सम्यक दृष्टि कहलाता है। जैसे कहते हैं सात तत्वों का यथार्थ सिद्धांत कर लो आप सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि हो। क्यों? क्योंकि सात तत्वों को यदि यथार्थ रूप से जानोगे आपकी दृष्टि इन सात तत्वों के आधार पर आप जान रहे हो कि भैया क्या आश्रव बंध है, क्या संवर निचरा है, क्या मोक्ष है। यदि आपको ये सब जान रहे, अर्थात जानने का मतलब यदि आप इस रूप अपने आप को पहचान रहे हो तो भैया आपकी साधना में आपका ज्ञान जागृत है। आपको पता है क्या कि जीव तत्व है और जीव के लिए कल्याणकारी हितकारी क्या है, जीव के लिए हितकारी क्या है। आपकी दृष्टि यदि उस मुक्त आत्मा पे है, मुक्त स्वभाव पे, अपने अपने मुक्त तत्व पे हो, अरे जीव तत्व का मतलब क्या, वो परम शुद्ध निरपेक्ष आत्मा, शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा, जीव तत्व, जो आत्मा शुद्ध प्रदेशों से अपने ही दर्शन ज्ञान चरित्र में अनंत काल से रमण कर रहा है, वो है जीव तत्व, शुद्ध, एकदम शुद्ध। लेकिन इस जीव शुद्ध तत्व को यदि जीव ना देखे और पर पर्याय को देखे तो अजीव, आश्रव बंध। और भैया यदि इस संसारी जो अजीव अवस्था में जीव जीव परिणमित हो रहा है, इस संसारी जीव की दृष्टि पड़ जाए अपने स्वभाव की ओर तो संवर निजरा और मोक्ष। ये आपकी दृष्टि का परिवर्तन है भैया पूर्णतः। लेकिन भगवान आत्मा अपन ऐसी दृष्टि के परिवर्तन को, अपनी ऐसी अंतर शक्ति को अपन अनुभव कर रहे हैं। रुचि 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 ये पूर्णतः दृष्टि का परिवर्तन हो रहा है भैया। अप्पा परु पिछन तो आत्मा पर को पहचान, जीव ए जीव आत्मा अजीब को पहचानो तो अजीब क्या है, केवल पुद्गल थोड़ी ना है, केवल अजीब क्या है, केवल अजीब तो तेरी भावना है, अजीब तो मन का परिणाम है, अजीब तो अज्ञान भाव की विभाव परिणाम की धारा है। जीव कहाँ है, जीव तो इस विभाव धारा से सर्वत्र भिन्न है। सर्वत्र भिन्न है मतलब जीव तो शुद्ध आत्म प्रदेशी अपने अनंत चतुष्टय में लीन सत्ता है। भैया जब जीव तो अपने शुद्ध प्रदेशों में निवास करने वाला भीतराग तत्व है तो कहें अजीव की अवस्था कहाँ से आई, अजीव की दशा को उपलब्ध किसने किया, कहें अजीव की दशा जीव के कारण, जीव के विभाव परिणाम के कारण उपलब्ध हुई, अर्थात जीव की दृष्टि बहिर्मुख होने के कारण से। ये ऐसे कहो नहीं तो सरल शब्द, जीव को तत्व का श्रद्धा न होने के कारण से अजीव की अवस्था का जन्म हुआ। अजीब कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, पुद्गल का नाम अजीब नहीं है भैया। पुद्गल यहाँ पुद्गल की चर्चा ही नहीं है, यहाँ सात यहाँ जीव तत्व को छोड़ के जो अन्य छह द्रव्य या पांच द्रव्य उनकी चर्चा ही नहीं है, ये तत्व की चर्चा है। तो यहाँ चर्चा किसकी है, यहाँ जीव की चर्चा है। क्या जीव किस कौन क्या चर्चा है जीव की भैया, कि जीव जब अपनी स्वसत्ता से विमुख होता है, आश्रद्धान करता है, तत्वों के विराधना करता है, अपने बीतराग स्वभाव की विराधना करता है, अपने निज चेतन तत्व को विस्मृत करके जब पर भाव को उपाधि मानता है, पर भाव को अपने दृष्टि का ज्ञान बनाता है, तो ये जीवी मृत अजीब जड़वत कहा जाता है, अचेतन जड़ भाव में कहा जाता है, जड़ भाव में कहा जाता है, अजीब कहा जाता है। अजीब क्यों कह रहे हो, है तो जीव ना, सत्ता उपादान इसकी शक्ति तो जीव ही है, लेकिन भगवान आत्मा उसका स्मरण ना होने से वो जीवत्व का भाव, जीव जीव का भाव जो जैवंत भाव है, वो जीव का भाव इसकी परिणति में ना होने से, सम्यक्त की भावना इसके परिणाम में ना होने से आज ये अजीब मृत कहला रहा है। और जो मृत है, मुर्दा है, उसका संयोग से आश्रव बंध हो रहा है। जीवित पदार्थ से आश्रव बंध नहीं हो सकते। स्वचेतना में देखो देखो स्वचेतना ज्ञान यदि ज्ञान में आचरण करेगा तो आश्रव बंध नहीं हो सकते। सम्यक श्रद्धान से श्रद्धा गुण है, श्रद्धा अपने सम्यक श्रद्धान रूप परिणमन सम्यक श्रद्धान रूप यदि परिणमन करेगा ना जीव तो उसे आश्रव बंध नहीं हो सकते। कितनी साफ बात है भगवान जी, यदि जीव स्वज्ञान में आचरण करेगा, स्वश्रद्धान में आचरण करेगा, स्वतत्व में आचरण करेगा तो कभी आश्रव बंध नहीं हो सकता। आश्रव बंध करने के लिए जीव को क्या चाहिए, अजीवत्व चाहिए, अजीवत्व जड़त चाहिए, अर्थात जीव को जब तक पुद्गल आश्रित नहीं होगा जीव, अर्थात पुद्गल कोई और जीव का बहिर्मुख, अपने स्वभाव से बहिर्मुख, जब तक जीव अपने स्वभाव से बहिर्मुख या सरल सब, जब तक जीव को मिथ्या श्रद्धा नहीं होगा, मिथ्या भाव नहीं होगा, वो तत्वों का विपरीत चिंतन नहीं करेगा, तब तक जीव को कोई भी आश्रय बंद नहीं करा सकता। आश्रय बंद का कारण क्या भैया,
अजीब भाव, अजीब भाव क्या भैया, जीव का विपरीत श्रद्धा, जीव की विपरीत मानता, और ये जीव की विपरीत मानता रूप अजीब भाव, ये है आशावंद का मूल। इसके कारण जीव राग देश शुभ अशुभ भाव करके निरंतर पुण्य पाप कर्मों को बांध रहा है और इन आठ कर्मों का इकट्ठा कर रहा है, आठ कर्मों का बंद कर रहा है, आत्म प्रदेश ढक रहा है जीव के, और आत्म प्रदेश ढकने से भैया कर्म परिणामों से आत्म प्रदेश ढक रहा है, तो आत्म प्रदेश ढक रहा है मतलब आत्मा के प्रदेशों में सकंप पना हो रहा है, और इस सकंप पने के कारण से आज तक ये आत्मा क्या क्या नहीं कर रही है आप खुद बता दो। आत्मा की प्रार्थना हो रही है, सबसे बढ़िया शक्ति है आत्मा की प्रार्थना हो रही है, आत्महिंसा हो रही है, आत्मा के साथ अनाचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तत्व को तत्व ना जान के अतत्व का श्रद्धा ने जीत को, और ये आतत्य की श्रद्धा, ये आतत्य की मानता, ये आतत्य को महत्व देना, ये ही है भैया, ये ही अनादि काल का भयानक अंधकार अज्ञान। पर आचार्य समझ कह रहे हैं अप्पा, ए भगवान जी अप्पा, आत्मा को पहचानो, और आत्मा से जो सर्वत्र भिन्न है वो है परु, ये जो अजीब की अवस्था है ना, ये पर है, ये तुम हो ही नहीं, ये आश्रा वंद, ये अजीवत्व, ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है, अनात्म दशा है, जीव की ही विभाव रूप परिणति है, अजीब भाव है जीव, जीव के द्वारा परिणमित हुआ अजीब भाव, ये अभी जीव की गलती है, ये पुद्गल नहीं है, ये जीव के द्वारा परिणमित हुआ अजीब भाव है, जीव का विकार है। पुद्गल की चर्चा तो कहां करेंगे अपन, अपन नौ पदार्थों में करेंगे, द्रव्यों में करेंगे, अस्थिकाय में करेंगे, अभी तत्व में नहीं कर रहा पुद्गल की चर्चा। हाँ, पुद्गल का निमित्त है अजीब भाव उत्पन्न होने, जड़ भाव उत्पन्न होने, पुद्गल का निमित्त है राग आदि विकारी भाव में जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान जो प्रणमन होगा वो उसमें पुद्गल निमित्त है, लेकिन पुद्गल का विकार नहीं है, जीव का विकार है, जीव की विभाव परिणति। और भैया अनादि काल से जीव ने इस विभाव परिणाम को ही अपना माना, इसका नाम अजीब। देखो भैया जीता जागता इंसान मुर्दा है, अरे रे जीता जागता ये जीव मुर्दा है, और भगवान आत्मा ये मुर्दा है इसलिए भैया आश्रय बंद कर रहा है, तो यदि इसमें चैतन्यता आ जाए, अर्थात इसकी दृष्टि में यदि अपना चैतन्य, अपना चैतन्य तत्व आ जाए, इसकी दृष्टि में यदि अपना गायक तत्व आ जाए, अब भी अली संबर संबर तत्व की प्रकटता हो जाएगी, अब भी अली आश्रम द्वार बंद हो जाएंगे, कर्मों के प्रदेशों का उसका अनंत संसार जो जुड़ रहा है वो अनंत संसार जुड़ना बंद हो जाएगा। और भैया ये जीव धीरे धीरे अपनी अंतर साधना से, चार आराधनाओं के माध्यम से आत्म तप में लीन होके भैया धीरे धीरे सब कर्मों को निर्जरित करके, और भैया सहज ही मोक्ष स्वभाव अपना लक्ष्य बना के कि मैं तो मुक्त आत्मा ही हूँ, शुद्ध बुद्ध वितराग तत्ती हूँ, भैया अपने अंतर में तो अनंत प्रकाश ही है, अपन तो सुख स्वरूप ही परमात्मा है, शाश्वत सुख का धनी में गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। यदि ऐसा यथार्थ श्रद्धा यदि जीव के अंदर में बच जाए, यदि ऐसी यथार्थता, ऐसा यथार्थ बोध अपने अंदर में बच जाए, तो आज भी जीव मुक्त है, मुक्त था, मुक्त रहे। क्या बताया इतनी देर में हमने, सिर्फ इतनी चर्चा करी हमने आपको कि आत्मा को आत्मा देखने से और पर को पर देखने से इतना इतना काम हो जाएगा। सिर्फ सात तत्व की श्रद्धा मात्र होने से, सात तत्वों को सही रूप से जानने से पूरा पूरा दृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, पूरी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। और भगवान आत्मा यदि इन सात तत्वों में भूल है, मिथ्यात् श्रद्धान में मिथ्यात् है, तो फिर दर्शन उपयोग तो बाहर ही भगेगा, पर पदार्थों में भगेगा। और भैया जब तक दर्शन उपयोग पर पदार्थों में भगेगा, तो निर्विकल्प सामान्य दर्शन, जैसे देखो देखो जैसे आपने आंखें खोली, सुनो अच्छे से जरा सावधानी से, आपने आंखें खोली, आंखें खोलते से जितने पदार्थ ग्रहण हुए ना, क्या सारे पदार्थ ज्ञान के विकल्प में आए? आपने आंखें खोली और आपके सामने 1000 लोग खड़े थे, आंखों ने 1000 लोगों का दर्शन ग्रहण कर लिया, कितने लोगों का दर्शन ग्रहण कर लिया भैया? 1000 लोगों का। अब 1000 लोगों का जो दर्शन ग्रहण किया वो सामान्य दर्शन है, सामान्य दर्शन, सामान्य दर्शन मतलब ये कहो निर्विकल्प प्रवृत्ति है आत्मा की, लेकिन बहिर्मुख होने के कारण निर्विकल्प नहीं कहलाएगी, मिथ्या होने के कारण निर्विकल्प नहीं कहलाएगी, लेकिन सामान्य तो कहलाएगी। सामान्य दर्शन हुआ, आंख खोलते से आपने 1000 लोगों को देखा, अब ये बताओ, क्योंकि ज्ञान उपयोग होगा दर्शन उपयोग के तुरंत बाद,
क्योंकि अभी केवली तो नहीं है भैया, युगपत तो होना नहीं है, कर्म आवरण है या ना घातिया कर्म के आवरण है, तो घातिया कर्म के आवरण होने से अब युगपत तो होना नहीं है, क्योंकि अरिहंत परमात्मा को युगपत होता है दर्शन और ज्ञान एक साथ, लेकिन अभी जीव को पहले दर्शन हुआ, सामान्य दर्शन हुआ, इसने समस्त पदार्थों को ग्रहण कर लिया भैया, हजार व्यक्तियों को देख लिया एक बार में, झट से आंख खुली और हजार व्यक्ति दिख गए। अब विकल्प आएगा, इसमें मेरे पिताजी थे, पापा जी थे, भाई थे, समाज थे, ये भैया थे, वो भैया थे, ये सारा काम दर्शन उपयोग के होने के बाद सब ज्ञान उपयोग के खाते में चला गया। दर्शन मिथ्या था, बहिर्मुख था, तो ज्ञान विकल्पात्मक हो गया, बहिर्मुख हो गया, और ज्ञान बहिर्मुख हो गया, ज्ञान में क्या बोलते हैं विकल्प हो गया, ज्ञान में अन्य पदार्थ लगने लगे, ज्ञान अन्य पदार्थों का विकल्प करने लगा, ये मिथ्या मति मिथ्या शब्द, मिथ्या मति ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक क्या हुआ, मति मति ज्ञान ने धारण किया, क्या धारण किया पदार्थों को, दर्शन ने आनंद पदार्थों को ग्रहण किया था, मति ज्ञान ने उसमें से कुछ न्यून थोड़े से पदार्थों को ग्रहण किया, और उस थोड़े से पदार्थों में भी विशेष जो श्रुति ज्ञान हुआ उसने और उस मति ज्ञान से भी कम पदार्थों को उसका और विशेष चिंतन किया, जैसे जैसे भैया मति ज्ञान में भैया कितने पदार्थ आ गए, 25 लोग हैं, पिताजी दादाजी काका जी चाचा जी माता जी, ऐसी धारणा आ गई थी, ये देखो ये सब लोग हैं, अशुद्ध ज्ञान ने क्या किया उनमें से एक व्यक्ति का विचार करना चालू किया, इसके ऐसे गुण है, इसका ऐसा ये है, इसका ऐसा ये है, उसने विस्तार करना चालू किया एक एक का, और अंदर और अंदर और अंदर पूरी काम पूरा काम चल रहा भैया, मिथ्या दर्शन से मिथ्या मति, मिथ्या मति से मिथ्या शब्द, पूरा खेल चल रहा काय का अश्रद्धांत मिथ्यात का, पूरा खेल चल रहा मिथ्यात का, भगवान आत्मा पूरा खेल चल रहा है तत्वों के प्रति विपरीत मान्यता का, श्रद्धांत का उल्टा बहाव, श्रद्धांत का उल्टा परिणाम। अरे ये सिर्फ चक्षु इंद्रिय के माध्यम से नहीं हो रहा, अचक्षु इंद्रिय के माध्यम से भी ऐसा हो रहा, कैसे हो रहा भाई, देखो भाई आपने यहाँ छुआ तो यहाँ कितने बाल है भैया, जैसे आपने इस उंगली से स्पर्श करा तो इस त्वचा का जो स्वतः वेदन हुआ ना, जो अनुभव हुआ, जो दर्शन हुआ, इस स्वतः को जैसे छुआ तो जो दर्शन हुआ उसमें पूरे स्वतः का पूरा स्पर्श आ गया, लेकिन ज्ञान के विकल्प में दर्शन उपयोग में पूरा आ गया, लेकिन ज्ञान उपयोग में कितना गया भैया, दर्शन में पूरा आया, ज्ञान उपयोग में गया 5%, और उस 5% में विकल्प करे आपने श्रद्ध ज्ञान में, तो आपको लगा हमने कितना जान लिया, कितना जान लिया, कितना जान लिया, कुछ नहीं जाना भगवान जी, सिर्फ 6 अवसम ज्ञान से आपकी बुद्धि ने प्रपंच फैलाया, बस दर्शन उपयोग में तो पूरा सामान्य दर्शन था, अचक्षु दर्शन में तो पूरा था भाई। अच्छा ऐसे एक और उदाहरण है, आप मन में कितने करोड़ों विकल्प करते हो, मन है अचक्षु दर्शन, मन में कितने विचार भरे, कितने विकल्प भरे, कितनी भरी हुई, लेकिन उन वो विकल्प कितने संस्कार भरे, लेकिन वो विकल्प चिंतन में कितने आते हैं, जितने मति शब्द ज्ञान का विषय बनते हैं बस, बाकी मन तो अनंत पदार्थों को गम लेता एक साथ, बस मतलब अनंत संस्कार भरे हुए, तो ये सारा जो परिणमन चल रहा है सिर्फ इसलिए बता रहे हैं आपको कि अप्पा पर पिक्षण, तो ये जो सारा परिणमन चल रहा है अजीवत का परिणमन चल रहा है, कैसा जीवित का परिणाम चल रहा है कि जीव इन इंद्रियों के माध्यम से चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के माध्यम से जीव निरंतर पर पदार्थ में प्रवृत्ति कर रहा है, सावधान, ये जीव निरंतर पर पदार्थ में प्रवृत्ति कर रहा है, और पर पदार्थ में प्रवृत्ति कर रहा है तो इसका मति शुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग मिथ्या होने के कारण से, श्रद्धा मिथ्या होने के कारण से, इसकी आस्था इसकी स्थिति बहिर्मुख होने के कारण से इसका मति और शुद्ध ज्ञान मिथ्या है, तो मति शुद्ध यदि मिथ्या है तो अब इस जीव का कल्याण करने वाला दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, अजीब अजीब अप्पा अप्पा पर पिक्षण, तो आत्मा पर को पहचाना होगा, आपने तत्वों की परिभाषा बहुत याद करी होगी कि तत्व ये है पता भैया, जीव तत्व ये है, जीव अजीब तत्व ये है, आश्रय तत्व ये है, बंदर बंद संवर तत्व ये है, आपने बहुत पदार्थों की परिभाषा याद करी होगी भैया, लेकिन पदार्थों की परिभाषा करने याद करने से कुछ नहीं होने वाला, समझो और अपने जीवन में अनुभव का विषय बनाओ, दृष्टि का विषय बनाओ, दृष्टि का विषय बनाओ, क्या कि भैया देखो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन बहिर्मुख प्रवृत्ति करके क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, अनंत पदार्थों ग्रहण कर रहे हैं, तो देखो अपना ज्ञान कितना अल्प है, जितना 6 अवसर उतना जान रहे हो मति शुद्ध ज्ञान, बस
छह ऑप्शन जितना है इंद्रियों का उतने जान रहे हो, दर्शन तो दर्शन में दर्शन का जितने छह ऑप्शन में दर्शन अधिक ग्रहण कर रहा, बहुत ग्रहण कर रहा, बहुत ज्यादा ग्रहण कर रहा। ज्ञान का जितना छह ऑप्शन है ज्ञान उतने विकल्प कर रहा है बस। देखो जीव का दर्शन का छह ऑप्शन अलग और ज्ञान का छह ऑप्शन अलग, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जो दर्शनावरणी कर्म की स्थिति है उस अनुसार दर्शन का छह ऑप्शन है, और जो ज्ञानावरणी कर्म की स्थिति है उस अनुसार ज्ञान का छह ऑप्शन। अरे भगवान आत्मा, जब तुम्हारा दर्शन ज्ञान एक जैसा प्रणमन नहीं कर रहा, छह ऑप्शन अनुसार प्रणमन कर रहा है, तो तुम क्या कर लोगे जगत में? भगवान जी सब कर्म आदि में दर्शन की सत्ता अलग, दर्शन का परिणाम अलग, दर्शन गुण से उत्पन्न होने वाला छह ऑप्शन, दर्शनावरणी कर्म का छह ऑप्शन अलग, और तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म का छह ऑप्शन अलग। यही की यही दिख रहा, यही की यही अब भी आ रही, देख लो। दर्शनावरणी के छह ऑप्शन में ज्यादा आ रहा है, और ज्ञानावरणी के छह ऑप्शन में बहुत कम आ रहा है, ये देख लो ना। और देखो ये कभी कभी क्या होगा, अभी एक पदार्थ को आपने आंखों से देखा, संपूर्ण रूप से देखा भाई, उस एक पदार्थ को आपने दर्शन आंखों से देख लिया, आंखें बंद कर ली, आप उस आंखों को बंद कर लिया, चक्षु दर्शन बंद हो गया भाई आपका उस विषय में, अन्य इंद्रियों से चक्षु दर्शन चल रहा। अब आप उस पदार्थ को दिन रात चिंतन कर रहा, दिन रात उसके विकल्प चल रहा, तो पता लगा चक्षु दर्शन तो एक समय के लिए वो होके चला गया, लेकिन अब ज्ञान उपयोग में अचक क्या कहते हैं, ज्ञान उपयोग में अचक्षु दर्शन वो सॉरी ज्ञान उपयोग से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में उसके विकल्प चल रहा है महीनों सालों। भैया चक्षु दर्शन उपयोग कितना था? एक सेकेंड का। ज्ञान उपयोग कितना हो गया? भैया एक महीने से वही वही विकल्प चल रहा है। ओ पागल जीव, मन में मन से उस चीज को अब आंखों से नहीं दिख रही, तो क्या हो? मन में भी जो अचक्षु दर्शन है ना, अचक्षु दर्शन से उस चीज को बार बार उस प्रतीति में लेके मन से उस चीज को बार बार गम के केले शुद्ध ज्ञान का विषय बना रहा है। मति शुद्ध ज्ञान में मिथ्या धारणा से उसको अपन बार बार घोल रहा है, बार बार घोल रहा है, बार बार घोल रहा है। ये क्या कर रहा है? अजीब 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 रूप प्रणमन कर रहा है। जीवात्मा, जब तक तुम इन अजीब रूप प्रणमन करोगे, जब तक तुम जड़ रूप प्रणमन करोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण निर्माण निर्माण कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया कल्याण? क्यों नहीं होगा निर्माण? ए पागल जीवात्मा, तू आत्म तत्व का बोध तो जगा ले रे, कितना समझा रहे हैं आचार्य, कितना बार बार समझा रहे हैं तारण स्वामी। भैया अप्पा पर पिक्षण, तो कितनी सिद्धांतों की चर्चा हो रही है, सिद्धांतिक कितनी बात हो रही है, और इतने सिद्धांतों को जानने के बाद भी, इस सिद्धांतिक चर्चा को सुनने के बाद भी तुझे अपने सिद्ध स्वभाव का बोध नहीं आ रहा। दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग बहिर्मुख प्रवृत्ति करके अजीव आत्मा में आश्रव बंद का प्रणमन करा रहे हैं। अजीव में हो रहा प्रणमन, आश्रव बंद का जीव में नहीं हो सकता। जीव संयोग में है लेकिन परिणमन अजीब का है, आश्रय बंधु, क्योंकि जो अपनी चेतना को भूला हुआ, जो अपनी वीतराग सत्ता को भूला हुआ, जो अपने अपने स्वभाव को भूल के जो बहिर्मुख देख रहा है, उस अजीब भाव का विभाव भाव में परिणमन विभाव भाव का हो रहा है, स्वभाव का नहीं हो सकता। स्वभाव विभाव रूप परिणमन नहीं हो सकता, स्वभाव विभाव रूप परिणमन नहीं हो सकता। देव द्रव्य की स्वतंत्रता, तुम्हारे स्वाभाविक गुण विभाव रूप परिणमित नहीं हो सकते, तुम्हारा द्रव्य विभाव रूप परिणमित नहीं हो सकता, तो फिर द्रव्य की मात पर्याय अर्थात जो अजीवत्व की अवस्था है वो अजीब पर्याय ही अजीब रूप परिणमित हो सकती है बस। तुम गुण को भी और द्रव्य को विभाव रूप परिणमित नहीं करा सकते। उस अजीब विभाव पर्याय को देख के द्रव्य का परिणमन कह देते हैं, ये बात अलग है कि द्रव्य विभाव रूप परिणमित हो रहा है, उपचार कथन ये उपचार से कह देते हैं भैया, ये जीव संसार में परिक्रमण कर रहा, उपचार का कथन है, सामान्य बोलचाल की भाषा। क्यों? क्योंकि जीव की खुद की परिणति उस भाव में हो रही ना, तो सामान्य भाषा में कह रही है भैया, देखो देखो जीव परिणमन कर रहा, जीव परिणमन नहीं कर रहा, अजीव परिणमन कर रहा, और अजीवत्व में जीव की दृष्टि फंसी हुई है, जीव अजीव रूपी वेदन कर रहा, इसलिए जीव को कह दिया भैया। लेकिन जीव स्वभाव नहीं, जीव तत्व नहीं, जीव तत्व तो शुद्ध बुद्ध वीतराग अपने निरंजन निर्विकार तत्व में स्वलीन है। ए भगवान आत्मा, कभी तो आत्मा का बहुमान कर लो रे। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ये सात तत्व, ये आचार्य ने कितनी करुणा कर दी भगवान आत्मा, अप्पा पर पिक्षण तो ये आचार्य तारण तरण देव ने कितनी करुणा कर दी कि भगवान आत्मा पूरा तत्व का विचार दे दिया तुम्हें पूरी आईने की तरह स्पष्ट साधना दे दी, बिल्कुल खोल के रख दिया मोक्ष मार्ग आंखों के सामने,
ये चक्षु दर्शन है, ये अचक्षु दर्शन है, ये ज्ञान उपयोग है, ये दर्शन उपयोग है, ये तेरा चैतन्य में प्रकाश तत्व है, ये सात तत्व है, पूरा स्पष्ट जिन मार्ग पूरा कल्याण का मार्ग आंखों पे, आंखों के सामने हथेली पे रख दिया भैया, खोल के रख दिया। इसके बाद यदि जीव मोह में अंधा बना रहा है, इसके बाद यदि जीव काम में मोह में विषयों में वासनाओं में अंधा बना रहा है, तो इस जीव की दुर्गति से कौन बचाए, बताओ भैया, बताओ भगवान जी, क्या नहीं जानते तुम, क्या सात तत्व नहीं जानते, ये दर्शन उपयोग नहीं जानते, ज्ञान उपयोग नहीं जानते, जीव नहीं जानते, क्या नहीं जानते, सब जानते हैं। लेकिन भैया सब जानते हैं लेकिन जानने वाले को नहीं जानते, रे भगवान आत्मा। कभी कभी ऐसी वो आती है दया कि भगवान आत्मा ये जीव देखो रो, पूरा आगम इसके सामने रखा हुआ, और आगम ऐसा नहीं कि आगम का ज्ञान ना हो, आगम का ज्ञान तो ऐसा ठसा ठस है कि कुछ भी कहीं से भी कुछ भी करवा लो भाई। लेकिन भगवान जी फिर भी जीव की दृष्टि उस जितेंद्रीय जिन स्वभाव की ओर क्यों नहीं पलट रही, स्पष्ट जान रहा भैया, तो चक्षु दर्शन का परिणाम बहिर्मुख, अचक्षु दर्शन का परिणाम सब कुछ जान रहा, एकदम स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, कहते हैं ना सत्ता कैसी है, ये पीतरा ज्ञान दर्शन सत्ता कैसी, स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान, उस स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान इस पीतरा सत्ता में सब झलक रहा है, ज्ञान दर्शन में सब जानने में आ रहा, सब जान रहा है, लेकिन भगवान आत्मा इसको कुछ अनुभव जैसे कोई बात नहीं बन रही इसके अंदर। भैया थोड़ी चर्चा आज कठिन लगेगी आपको कि भैया आप तो आज तत्व गा रहे हो, दर्शन उपयोग गा रहे हो, ज्ञान उपयोग गा रहे हो, भैया कुछ भी ये क्या ना उपयोग उपयोग तो हमें समझ में नहीं आता, इतने उदाहरण देकर समझा तो दिए भगवान जी, फिर भी कोई कह रहा होगा भैया अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया, है कोई एक अर्थ कि भैया समझ में नहीं आया, क्या कहा आपने, क्या दर्शन उपयोग, क्या ज्ञान उपयोग, क्या संवर तत्व, क्या निजर तत्व, क्या मोक्ष तत्व, क्या आश्रव तत्व, क्या बंध तत्व, क्या अजीव तत्व, क्या ना पूरी कहानी हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, है एकाध कोई, भाई म्यूट खोल के कैसे बोल दें, बेइज्जती इंसल्ट अपमान अहंकार ये सारी चीजें भैया सब कुछ क्या करें भैया, जीव अनादि काल से जीव ने क्या करते क्या कहते हैं सत्य को ग्रहण करने में तो प्रमाद किया, पूछ तो सकता ही नहीं है ना, तो भैया हम ये मान लेते हैं कि सबको समझ में आई, अब जब सब कुछ समझ में आई तो भगवान आत्मा फिर उपयोग क्यों नहीं बदल रहा, फिर आपकी दृष्टि में समान दर्शन में अनंत पदार्थ आ रहा है, इन्हें क्यों ज्ञेय बना रहा है भगवान आत्मा, एक ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, ऐसे छोपसम ज्ञान मानो कि कर्म की वजह से हो रहा है, और अपना निर्णय तत्व का रखो ना, अजीवत्व की भासना को छोड़ के संवर तत्व को प्रकट करो ना, अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति को जागरण करो ना, अपने शुद्ध चैतन्य निरावरण वीतराग तत्व की प्रतीति को जागरण करो ना, सात तत्वों के सहकार रूप जो वीतराग अवस्था झलक रही है, इस वीतराग अवस्था को देखो ना भगवान जी, जो किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग में जो अपना वीतराग चतुष्टय में स्वभाव आ रहा है, इस चतुष्टय स्वभाव को देखो ना भगवान, क्यों पागल बने हो, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन से कान से सुन रहा, अच्छा देखो एक बार बताओ, एक प्रश्न कर रहे हो आप कान से सुन रहे हो, तो कौन कौन सी दर्शन उपयोग क्या है और ज्ञान उपयोग क्या बताना, तो जरा जल्दी जल्दी जल्दी, हमने अभी आपके तीन तीन उदाहरण दिए, स्पर्शन उदाहरण दिया, मन का उदाहरण दिया, आंखों का उदाहरण दिया, अब आप बताओ भैया कर्ण इंद्रिय का आप बताना जरा, कोई म्यूट खोल के जल्दी, कि आप एक कान से सुन रहे हो तो इसमें दर्शन उपयोग क्या है, ज्ञान उपयोग क्या, जल्दी बताओ, और नहीं बताओ तो आज चर्चा बंद, हम कान की बात कर रहे हैं, अचक्षु दर्शन कान की बात कर रहे हैं, अचक्षु दर्शन
कैसे हो रहा है, यही तो पूछ रहा है। क्या क्या है अचक्षु दर्शन में? अरे भगवान जी, मति ज्ञान होने के पहले अचक्षु दर्शन होता है भगवान जी। चक्षु अचक्षु दर्शन मति ज्ञान में हो गया तो फिर तो मति ज्ञान ही हो गया ना, ज्ञान उपयोगी हो गया। जब अभी हम पूछ रहे थे किसको समझ में नहीं आई, कोई ने एक ये इतने सारे शब्द। हाँ, बोलो 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 बोलो। बस सीधी बात है, आप जो इतने सारे शब्द सुन रहे हो सब ये कान से जो दर्शन उपयोग ले रहा है, अचक्षु दर्शन उपयोग ले रहे हो, ये सब इतने सारे शब्द आपके कान का विषय बन रहे हैं, सब अचक्षु दर्शन है। सामान्य प्रतिभास है, इनमें जो मति ज्ञान धारणा करेगा, जो ज्ञान उपयोग लगेगा, जो धारण करेगा, अवग्रही आवाय के द्वारा जो ये अवगे ये अवाय धारणा, इनके द्वारा जो मति ज्ञान होगा वो मति ज्ञान, और इससे जो श्रुत का चिंतन करोगे, अर्थ को और विशेषता से चिंतन करोगे, वो श्रुत ज्ञान में जाएगा भगवान जी। यहीं के यहीं, यहीं की यहीं आपका दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन आपका अचक्षु दर्शन कर्णेन्द्रिय से इन शब्दों में हुआ, सामान्य शब्दों को सामान्य प्रतिभास रूप जाना, और इसी को मति ज्ञान में विशेषता से, अर्थात मति ज्ञान ने इसको धारण किया, ज्ञान उपयोग में गया, और फिर श्रुत ज्ञान में उसी उसी विषय का विशेष चिंतन, उसी को और गहराई से अंतर में मंथन करना, उसी को और गहराई से अंतर में घोलना, बार बार उसका अपनी श्रुत में रखना, ये श्रुत ज्ञान के खाते में गए। मति ज्ञान धारण करेगा, उसको धारणा में बिठाएगा, मति ज्ञान में वो सूरत छप जाएगी इन शब्दों की, और भैया श्रुत ज्ञान में चिंतन का विषय बनेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग एक साथ, एक साथ मतलब पहले दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग, यही सुनते सुनते। म्यूट म्यूट करो, म्यूट 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 करो, कौन की आवाज आ रही? यही की यही दर्शन ज्ञान उपयोग हो जाएगा। और अपने को हर समय सावधानी रखनी कि यहां दर्शन उपयोग अपने कान से इन शब्दों का समान अवलोकन, ये अपनी साधना, ये तो समान अवलोकन हो रहा है, ये कर्म उदय से हो रहा है, शब्द कर्म उदय से कान में आ रहा है। और इन शब्दों से जो छयोपशम है, अपने पास जितनी ताकत है उतना मति ज्ञान ग्रहण कर रहा है, और मति ज्ञान जो ग्रहण कर रहा है उसमें से भी सम्यक मति है मिथ्या मति कब मानेंगे, जब उसके अर्थ को अपनी धारणा में लेके स्वीकार कर लेगा तो सम्यक मति, सम्यक श्रद्धान सहित है, तथ्य की सच्ची श्रद्धा है, तथ्य का स्वरूप विचार सहित स्वीकार हो रहा है तो सम्यक मति, और तथ्य का स्वरूप विचार सहित स्वीकार नहीं हो रहा, अर्थ को अर्थांतर करके स्वीकार नहीं कर रहा बल्कि विपरीत स्वीकार कर रहा है, वस्तु के स्वरूप से विपरीत स्वीकार कर रहा है, वो मिथ्या मति धारणा, मिथ्या ज्ञान कुज्ञान मिथ्या मति, और उसका विकल्प मिथ्या सुर, सम्यक मति तो उसका विकल्प सम्यक सुर, जे है जीव की साधना, ये जीव का अंतर का जी कहे कहे जल्दी। हाँ भगवान जी, भगवान जी कौन सा आगम पढ़ के आए हो, कौन सा आगम पढ़ के आए, कौन से पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़ के आए हो? वो तो श्रुत ज्ञान कहलाता है, जो विस्तार होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है भगवान जी, वो चक्षु दर्शन नहीं कहलाता, अचक्षु दर्शन नहीं कहलाता। सुन लो अच्छे से परिभाषा, म्यूट करो, जो आंखों से दिखता है सामान अवलोकन रूप वो चक्षु दर्शन कहलाता है, और जो शेष चार इंद्रियों से और मन से जो सामान अवलोकन होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है, और अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन के बाद मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते हैं, पहले दर्शन उपयोग होता है उसके बाद ज्ञान उपयोग होता है, ज्ञान उपयोग पहले हो जाएगा तो भगवान आत्मा के दर्शन उपयोग को पीछे लेके आओगे क्या,
उल्टी उल्टी चरिया मत चलाओ। पहले सिद्धांत को सिद्धांत से अंतर से अनुभव में लो पहले, क्या कि जीव को जब भी होगा पहले चक्षु दर्शन होगा, क्योंकि अचक्षु दर्शन है चक्षु दर्शन होगा। और बात यह है कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होगा, दर्शन उपयोग पहले होगा, ज्ञान उपयोग बाद में होगा। कभी भी पहले ज्ञान उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है। सिद्धांत को पहले अपने सामने रखो फिर अपना चिंतन करो, क्योंकि बिना सिद्धांत को सामने रखे चिंतन करोगे तो मनमाना चिंतन होगा, मनमाना चिंतन नहीं। फिर चिंतन क्या करना अपने को, पहले सिद्धांत रखो सामने। सिद्धांत क्या कह रहा है, दो और दो चार, दो और दो चार मतलब पहले किसी भी जीव को, संसारी जीव को, संसार की दशा में किसी को भी, कोई भी हो, एक्स वाय जेड, निगोदिया से लेके क्या बोलते हैं केवल ज्ञान होने से एक समय पहले तक कोई भी जीव हो, उसको पहले क्या होगा, पहले दर्शन उपयोग होगा फिर ज्ञान उपयोग होगा। सिद्धांत अब करो आप चिंतन, आपका चिंतन बिल्कुल सही दिशा में जाए कि पहले क्या हुआ, पहले आपका सामान्य दर्शन होगा। कैसे होगा, चाहे आंखों के माध्यम से हो चाहे शेष चार इंद्रियों मन के माध्यम से हो, पहले समान अवलोकन रूप दर्शन उपयोग होगा। उसके बाद जो समान अवलोकन रूप चक्षु दर्शन या अचक्षु अचक्षु दर्शन, दोनों में से कोई सा भी एक, एक साथ दो नहीं होंगे, या तो चक्षु होगा या अचक्षु होगा, दोनों में से कोई भी एक दर्शन काम करेगा। उसके बाद फिर आपको जो उसके विषय में विचार होंगे, विकल्प होंगे, ये सब कुछ आपका मति और शुद्ध ज्ञान की धारा में जाएगा। भैया हमें किस समय में आएगा, हम कैसे पकड़ पाएंगे, भैया जीव पकड़ नहीं पाता, केवल ज्ञान, केवल ज्ञानी भगवान पकड़ेंगे इस बात को। और ये तुम अपनी निर्विकल्प अनुभूति में पहुंचोगे तो तुम्हें पता लगेगा कब चक्षु हुआ कब अचक्षु हुआ। जब आप स्वयं अपना विचार करोगे तो आप समझ पाओगे, केवली भगवान स्पष्ट जानेंगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी अपने को ये अंतराय से हो रहा है, असंख्यात समय के अंतराय से हो रहा है। आपको चक्षु दर्शन हो रहा है जिन समयों में, उन समयों के बाद अगले समय में क्या बोलते हैं ज्ञान उपयोग हो रहा है, लेकिन जीव को समय की पकड़ी नहीं है, सूक्ष्म एक समय को जीव पकड़ ही नहीं पाता, इसलिए जीव की दृष्टि का विषय नहीं है अभी कि कब चक्षु दर्शन हो रहा है कब अचक्षु दर्शन हो रहा है, पकड़ने पकड़ से ही बाहर है उसकी। लेकिन भगवान जी फिर भी समझाने के लिए, बताने के लिए, ज्ञान की निर्मलता करने के लिए ये समझाया जा रहा है आपको, क्या कि भगवान आत्मा अपने उपयोग की निर्मलता करो। और ये उपयोग की निर्मलता कब होगी, ये उपयोग की क्या, ये उपयोग की जो धारा है सम्यक कब होगी, कैसे होगी उपयोग की धारा, तो भगवान जी ये उपयोग की धारा निर्मल होगी कब, जब मुझे श्रद्धांत की गुणवत्ता होगी। ये दोनों काम मान्यता पे आधारित है, आप आपकी मान्यता में सिद्धांत है ना, आपकी मान्यता में तत्व है ना, आपकी मान्यता में यदि कहीं निष्ठा, आपकी मान्यता में यदि आपका तत्व विराजित है ना, तो आप चक्षु दर्शन का विकल्प छोड़ दो और अचक्षु दर्शन का विकल्प छोड़ दो, और क्या कहते हैं मति ज्ञान, ज्ञान उपयोग का विकल्प भी छोड़ दो यदि मान्यता में सम्यक है तो। बस कैसे विकल्प छोड़ दें भैया, क्योंकि यदि आपकी मान्यता सम्यक है तो आपका चक्षु दर्शन पर पदार्थ को देखेगा। देखो जैसे बहुत अच्छा उदाहरण, आपकी आंखें देखेंगी दुनिया को, लेकिन निर्णय क्या आएगा अंदर से आपकी मान्यता सम्यक होने से, ये सब पर है, ये देखो ये निर्णय आ गया ना, ये हो गया, ये देखो चक्षु दर्शन शुद्ध हो गया, चक्षु दर्शन देखा वही पर पदार्थों को, लेकिन मान्यता सम्यक हुई तो उसने क्या कह दिया पर है, ये जो फलाना फलाना आकार आकृति दिख रही है, जो छह ऑप्शन दिख रहा है, ये लगा ये मेरी सत्ता से भिन्न है। तो ज्ञान उपयोग ने, मति ज्ञान ने क्या धारण किया, मति ज्ञान में उनका विकल्प तो आया, लेकिन मति ज्ञान ने क्या धारण किया, अरे मैं तो ध्रुव आत्मा हूं और ये तो पर का विकल्प है, पर्याय का विकल्प है। मति ज्ञान ने अपनी धारणा को प्रकट किया, शुद्ध ज्ञान ने क्या चिंतन किया भैया, शुद्ध ज्ञान में भाव कर्म को दे तो आएगा कि उन निमित्तों के जैसे जैसे भाव चलने हैं, पैसा चिंतन रूप विकल्प रूप भाव तो आएगा, लेकिन शुद्ध ज्ञान ने क्या करा, अरे देखो 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 एक कर्म की धारा आ रही, देखो एक कर्म की धारा चल रही है। शुद्ध ज्ञान ने क्या करा, अपने तत्व का ज्ञान उपयोग का चिंतन करना चालू कर दिया। अब क्या हुआ कि मिथ्या मति मिथ्या शुद्ध की जगह पूरा काम सम्यक मति सम्यक शुद्ध का चलने लगा, महा मिथ्या दर्शन हट गया, कर्म की धारा तो आई लेकिन मिथ्या न होने से क्या हो गया, पूरा प्रणव सम्यक रूप हो गया। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई होगी, आइए एक आपको बताना जरा क्या बोला हमने, आइए समझ।
हाँ, ये धारणा मति ज्ञान में मिथ्या मति का काम करेगी, मिथ्या शब्द काम करेगा। यदि वहां कर्तत अपनत ममत भाव यदि है, यदि मिथ्या श्रद्धान है तो मिथ्या मति मिथ्या शब्द काम करेगा, वो सम्यक श्रद्धान है तो सम्यक मति सम्यक शब्द काम करेगा। सारा खेल आपके श्रद्धान का है भगवान जी, आपकी मान्यता का है, धारणा का है, आपकी मति ज्ञान का काम है धारण करना, और शुद्ध ज्ञान का काम है मति ज्ञान में आए हुए पदार्थ को अवलोकन विस्तार करना। ये शुद्ध ज्ञान का काम है, ये ज्ञान में शुद्ध आत्मा को कहते हैं। भैया विशेष लक्षण है आत्मा का, शुद्ध ज्ञान में आत्मा, इसलिए भगवान आत्मा। लेकिन जीवात्मा पूरा खेल सिद्धांत पे है, पूरा खेल आपकी मान्यता पे है। इसलिए तो कहते हैं भगवान जी दृष्टि बदल लो, मान्यता बदल लो, श्रद्धांत बदल लो। एक बार सिद्धांत बदल गया तो दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग सब बदल जाएंगे, इसके पीछे चलेंगे सब। लेकिन भैया जीव को श्रद्धा का प्रसाद समझ में नहीं आता। जीव कहता भैया हमें बाकी प्रसाद तो समझ में आते, अब क्रिया करवा लो, बाहर के आडंबर करवा लो, नाना प्रकार से याद करवा लो, पढ़वा लो, लिखवा लो, ये सब समझ में आता, लेकिन श्रद्धा कैसे बदलते हैं समझ में नहीं आता। श्रद्धा कैसे बदले, विपरीत सिद्धांत को कैसे पलटे, ये बात समझ में नहीं आती। भैया जब तक जीव को ये बात समझ में नहीं आती तब तक ना उसका दर्शन उपयोग पलट रहा ना उसका ज्ञान उपयोग पलट रहा। पलटने के लिए चित्त को पट करना है, आपकी जो अनादिकाल की प्रवृत्ति है उसे बदलना है। देखो अपन कहते हैं ना, यदि जीव को, बहुत अच्छी बात है ध्यान से सुनने के योग, यदि जीव को सम्यक्त को स्वीकार करना है तो आज तक इस जीव ने जो भी माना है अक्षर बिल्कुल मतलब जीरो से लेके आज तक इस जीव ने जो भी माना है उसे उस मानता को पूर्णतः नकारना पड़ेगा। आज तक जो भी माना, यदि आपको वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना है तो आपका सच्चा श्रद्धा ना होगा। भैया तो भैया जीव कैसे स्वीकार कर ले कि मैंने जो माना है आज तक वो सब झूठ है, क्योंकि अपने आपको ज्ञानी मानने की आदत तो है ही ना, अपने आपको समझदार मानने की आदत तो है ना। कैसे स्वीकार कर ले कि मैं अनादिकाल से मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैं संसार में परिणाम कर रहा था, मैं मूर्ख जीव था, मैं संसार में भटक रहा था। कैसे मान ले अपनी अज्ञानता को, कैसे स्वीकार कर ले भैया, कैसे जिन्हें भगवान के सामने अपना समर्पण कर दे, कैसे भगवान की वाणी के आगे अपने आप को नतमस्तक कर दे, कर ही नहीं सकता ना। इसकी मान कसाय इसको जीव को झुकने नहीं देगी भैया, और ऐसा दुष्ट मान ऐसा अहंकार इस जीव के पतन का कारण है। जीवात्मा तुम्हारा घात करने वाला कोई और दूसरा नहीं है, हम तो लाखों बार कह चुके भैया, और यही यही यहाँ इस सभा पे कितने बार कह चुके। ये जो आज आप जो चर्चा सुन रहे हो ना, आगम की सिद्धांतों से चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल इस चर्चा को कोई काटने वाला नहीं है। और बात इतनी सी है कि ये आपके दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की धारा, आपके मतिश्वर ज्ञान की प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान जी आपने कभी इसको पकड़ा, देखो कभी पकड़ा, कोई कोशिश करी पकड़, दिन में एक आध बार भी चिंतन करता है, देखो चक्षु दर्शन क्या कर रहा है, देखो अचक्षु दर्शन क्या कर रहा है, देखो हमें इसमें मान्यता क्या है, कभी ऐसा दिन भर में कभी चिंतन करते हो, कभी अवलोकन करते हो, देखो हमारे चक्षु दर्शन से ये हुआ, अचक्षु दर्शन से ये हुआ, देखो अब्धि दर्शन, वो अब्धि तो है नहीं, अभी अब्धि ज्ञान है ही नहीं, तो देखो चक्षु से ये हुआ, अचक्षु से ये हुआ, अकेले मति ज्ञान ने देखो क्या माना, और देखो शुद्ध ज्ञान ने क्या विकल्प किए। कभी ऐसा देखो तो संसार का नाटक, संसार का नाटक, बाहर का नाटक देखते हो, घर 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 परिवार का नाटक देखते हो, कभी अपने अंदर में चलने वाला नाटक देखो तो जरा, कि देखो चक्षु दर्शन ने क्या किया, अचक्षु दर्शन ने क्या किया, मति ज्ञान ने क्या माना, शुद्ध ज्ञान ने क्या किया, ये कैसा नाटक चल रहा है, ये नाटक तो देखो जरा एक बार। दिन भर टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, टीवी वीडियो दुनिया के नाटक देख रहे हो, दुनिया के सीरियल देख रहे हो, कभी अपने अंदर के नाटक को देखते लो, आत्मा की लीला को देखते लो, आत्मा के स्वभाव विभाव लीला को देखते लो, एक आत्मा ये विभाव रूप लीला क्या कर रही है और स्वभाव रूप लीला क्या कर रही है। हाँ, दूर दर्शन देखते हो, दूर का दर्शन, नाम ही दूर दर्शन है कि भैया दूर होने वाला दर्शन। कलाकार क्या बोलते हैं, लंदन, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, साउथ अफ्रीका में वो विदेशों में शूटिंग कर रहा है, तो वो दूर में अपनी शूटिंग कर रहा है और जीव दर्शन यहाँ कर रहा है, मूर्ख। और जो इसके घट में ही दूरदर्शन नहीं, अपना निकट दर्शन, जो इसका ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, इसकी मान्यताएं, इस जीव का अंतर का स्वयं का अजीव रूप बंध आश्रय रूप परिणमन, ये जीव के निकट का दर्शन नहीं हो रहा, सामने सामने चलता हुआ दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग नहीं दिख रहा, दूरदर्शन दिख रहा है भैया, दूर का दर्शन। अपने अंदर में दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग काम कर रहा है, इसका दर्शन नहीं हो रहा,
अपन क्या मान रहा है, अपन क्यों मान रहा है, अपनी मानता उल्टी क्यों है, अपनी मानता अपन कैसे पलटे, अपना श्रद्धान अपन कैसे पलटे, ये सामने चलने वाला अज्ञान नहीं दिख रहा है, वो दूर दर्शन दिख रहा है भैया, दूर का दर्शन। कितने लोग जुड़े अभी? 66 से 63 हो गए। तो भैया हम कह रहा है ये 63 जितने लोग हैं इन लोगों से सबको लिख के रखना है कि हमारा दर्शन उपयोग क्या काम कर रहा है, ज्ञान उपयोग क्या काम कर रहा है, लिखना है, नोट करना है, तो ये साथ ना हो पाएगी भगवान जी। नहीं तो प्रवचन सुन सुन के घर चले जाओ, तो घर में बैठ कर सुन ही रहा, घर क्या जाओगे, घर में बैठे बैठे प्रवचन सुन लो और आप सोच लो कि भैया हमारा मोक्ष मार्ग बन गया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला भगवान जी। आपको चर्चा लग रही होगी बहुत भारी भैया, भैया तो बहुमान की चर्चा करो, आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, कहाँ आप चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, क्या बोलते हैं, मति ज्ञान, मति ज्ञानावरण की, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की चर्चा लेके बैठ गए, कहाँ लेके बैठ गए आप ये चर्चा। तो भगवान एक बार बताओ, प्रसाद कैसे करोगे, बिना उपयोग के प्रसाद कर लोगे क्या, बिना दर्शन उपयोग, बिना ज्ञान उपयोग के प्रसाद कर लोगे, बिना चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन के, बिना मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के प्रसाद कर लोगे, कर लोगे? परिभाषा में पढ़ते हो क्या कि इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है मति ज्ञान, क्यों? क्योंकि इंद्रियां दर्शन है, उसके बाद जो होता है वो ज्ञान है, और भगवान जी इंद्रियां और मन दर्शन है, इनके निमित्त से जो होता है वो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों को जो विशेषता से जानता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा आगम की बचपन से पढ़ रहा, जीवन से याद हुई या नहीं हुई, जीवन से पढ़ा बचपन से परिभाषा क्या कि मन और इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता है वो क्या है, मति ज्ञान। और ये मति ज्ञान मन इंद्रिय मतलब क्या, मन इंद्रिय होगा चक्षु दर्शन सामान्य प्रतिभास, और उनके निमित्त से जो उत्पन्न हुआ वो मति ज्ञान अवग्रही अवायव धारणा रूप, और उसके निमित्त से जो विशेष हुआ वो शुद्ध ज्ञान। भैया अब जब अपने को अपना मति, यदि अपना स्पर्श इसके साथ अपनी मान्यता सम्यक हो जाए तो सब सम्यक मति सम्यक स्वत सम्यक दर्शन रूप हो जाए, या कितनी महिमा है रे ए जीव आत्मा, देखो तो कितनी महिमा है अपने स्वभाव की, कितनी महिमा है, कितना कितना महिमा बनता है अपना वितराग तत्व, कितना अंतर आत्मा में कितना रुचि बनते है ये वितराग तत्व भगवान जी। कभी कभी हृदय से कभी अंतरात्मा से इस भीतराग स्वभाव को बहुमान तो कर लिया करो कि देखो 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 जगमगा रहा है मेरा चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा, जगमगाट हो रही मेरी अंतरात्मा, काहे कि अपने चैतन्य में भीतराग तत्व। अरे ये देखो आचार्यों की करना देखो, उन्होंने अपना दर्शन उपयोग, अपना ज्ञान उपयोग, अपनी वितरागता, अपना अनंत गुण में व्यवहार अपने को दर्शा दिया, नहीं तो भैया गली गली चौबारे चौबारे ढूंढते रहते, मोक्ष मार्ग को कहीं नहीं मिलता। आचार्यों की करना देखो, आचार्यों की उनकी अंतर की हृदय की भावना देखो कि उन्होंने पूरा ज्ञान तुम्हें स्पष्ट करके रख दिया, पूरा ज्ञान तुम्हारे सामने झलका दिया। और यदि भगवान जी आचार्यों ने यदि ये ज्ञान नहीं झलकाया होता, ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान स्पष्ट नहीं करे होते, तो भगवान आत्मा पुरुषार्थ कैसे करते हैं, ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग को नहीं जानते तो कहाँ लगाते उपयोग, अनादिकाल से पर में लगाते आ रहे हैं। सम्यक श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा तत्व के स्वरूप को और आतत्य के स्वरूप को नहीं जानते तो श्रद्धा काहे की करते, अनादिकाल से आतत्य की श्रद्धा तो करते आ रहे हैं, विपरीत मान्यता तो परिणमित हो रही है। कभी श्रद्धांत तो किया होता सम्यक तुमने जीवात्मा, तो मोक्ष जाने में देर थोड़ी लगती, लेकिन समस्या तो यही है कि जीव ने श्रद्धांत ही सम्यक नहीं किया। अब श्रद्धांत की चर्चा आ गई तो सम्यक दर्शन की चर्चा आ गई, तो थोड़ी सम्यक दर्शन की चर्चा भी कर लग गई। देखो भैया अभी अपने को यहाँ इस भूमिका में ज्यादा ज्यादा 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ओवर ओवर इन हाउ, और 6 ऑप्शन सम्यक दर्शन में भी कृतकृत वेदक कृतकृत 6 ऑप्शन नहीं हो सकता, सिर्फ 6 ऑप्शन हो सकता जगन में, बस कृतकृत 6 ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता भैया, क्योंकि कृतकृत के बाद नियम ही है छायक सम्यक दर्शन करना ही पड़ेगा, तो अभी छायक सम्यक दर्शन होना नहीं तो कृतकृत वेदक होना नहीं, अभी तो 6 ऑप्शन ही हो सकता भैया बस। तो अभी वर्तमान भूमिका में
अपने को सिर्फ 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 छवसम सम्यक दर्शन की पात्रता है। देख लो, वैसे ऐसे कर्म लेके आए हो जीवात्मा, तुम वैसे ऐसे कर्म लेके आए हो, ऐसे काल में जन्म लेके आए हो जहां तुम्हारी पात्रता ही कम है। देख लो भगवान जी, पर्याय अपेक्षा चर्चा है, स्वभाव अपेक्षा से नहीं। स्वभाव अपेक्षा से कोई मत चिल्लाना, नहीं हम तो पूर्णनाथ है, हम तो कुछ बिल्कुल नहीं, पर्याय अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम पात्रता ही कम लेके आओ, तुम पात्रता ही उतनी लेके आओ छह उपशम ज्ञान की, बस छह उपशम सम्यक दर्शन पर्याय अपेक्षा से। तो अब ये पात्रता ही कम लेके आए हो तुम, और उसके बाद भी इतनी कम पात्रता होने के बाद भी तुम्हारी रुचि भी नहीं है। एक तो पात्रता कम है, ऊपर से रुचि भी नहीं है। जितना काम बनना चाहिए, जितना स्वभाव का बहुमान आना चाहिए, जैसा तत्व का अभ्यास होना चाहिए, जैसा चिंतन जैसा स्वाध्याय होना चाहिए, वैसा स्वाध्याय भी नहीं, वैसा चिंतन भी नहीं, वैसा तत्व निर्णय भी नहीं, वैसी निष्ठा भी नहीं, वैसा अंदर का काम भी नहीं। एक तो भैया, एक तो रुचि कम, ऊपर से पात्रता कम, ऊपर से विकल्प इतने लाद के रखे हो पर पर्याय के, कर्तत्व के, भोक्तत्व के, अपनत्व के, ममत्व के, कि दुनियादारी की सल चिंता इतनी पाल के रखी है कि इन इनकी इनकी चिंताओं से अपना जीवन ही धन्य धन्य मान रहे हो भैया, कि हम दुनिया की चिंता कर रहे हैं, दुनिया के लिए हम भैया देश विदेश सबकी चिंता हमें है, मतलब इस जगत के पूरे पालनहार तारणहार हम ही है, बस चिंता सल इतनी है कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। अब इस जीव को सुना मोक्ष का मार्ग। भगवान जी, इस जीव को सुना मोक्ष का मार्ग, ये कि मोक्ष किसे कहते हैं, इसे मोक्ष की परिभाषा भी याद नहीं होगी। मोह में डूबा हुआ ये जीव अंतर हृदय से मोक्ष की परिभाषा भी नहीं जान पाए। भगवान, इस संसार के मोह के त्याग का नाम मोक्ष है। इसे अंतर से ग्रहण ही नहीं होगा भैया। सुनो आप कायदे की बात, अच्छा एक बार बता, यदि कोई छयोपशम सम्यक दृष्टि, छयोपशम सम्यक दृष्टि यहां से मरे और बिगड़े गति में जाए तो क्या उसे सहानुभूति होगी या नहीं होगी? यदि कोई छयोपशम सम्यक दृष्टि माँ के घर में जाए तो क्या उसे निर्विकल्प अनुभूति सहानुभूति हो सकती, नहीं हो सकती? जल्दी जल्दी जवाब दो, जल्दी 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 जल्दी। जिनका चिंतन करा तो जवाब देना। अरे कोई छयोपशम सम्यक दृष्टि नरकों में जाए तो क्या उसे सहानुभूति होगी नहीं होगी? कहाँ कहाँ होगी? नरक में होगी, माँ के गर्भ में, बिगड़े गति में, छयोपशम सम्यक दृष्टि में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। चलो चलो प्रश्न बदल दे रहा है। यदि कोई छायक सम्यक दृष्टि, सुनो अच्छे से, यदि कोई छायक सम्यक दृष्टि बिगड़े गति में जाए, माँ के गर्भ में जाए और नर्क में जाए या देव गति में जाए या त्रिहंश गति में जाए, क्या उसे सहानुभूति होगी या नहीं होगी? कहाँ कहाँ होगी? ऐसे कैसे सहानुभूति में, छायक सम्यक दृष्टि को कितनी देर में सहानुभूति होती? कितनी देर में होती है? सम्यक दृष्टि को कम से कम कितनी देर में सहानुभूति होती? वो सॉरी, ज्यादा से ज्यादा क्या बोला उदय भैया? छायक सम्यक दृष्टि को तो होगी होगी, छयोपशम समय दृष्टि को होगी होगी, एक अंतर मुहूर्त के अंदर, हाँ आत्मव्यतीति में है वो, लेकिन स्वानुभूति निर्विकल्प निर्विकल्प अनुभूति का रस एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंतर लेगा वो कईयों बार, ठीक है। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे थे हम, अपनी विषय से विषयांतर होगा, हाँ अब चलो विषय तो दिमाग से गया, चलो ठीक है। ये बताओ कि वो छायक सम्यक दृष्टि बिगड़े गति में अपने निर्विकल तत्व की अनुभूति करेगा कि नहीं करेगा? बस बिगड़े गति में आप थोड़ा डर जाओगे, माँ के गर्भ में निर्विकल स्वभाव का अनुभव करेगा नहीं करेगा?
निर्विकल तत्व का वियोग भेदन माँ के घर में करेगा नहीं करेगा? भगवान जी जब माँ के गर्भ में जब अपर्याप्त जब पर्याप्त जब लिक्विड रूप प्रणवन करते हुए जब वो जीव वहां 1 महीने 2 महीने 1 दिन की अवस्था में जब माँ के गर्भ में छायक सम्यक दर्शन रूप स्वानुभूति का वेदन कर सकता है, तो भगवान आत्मा तुम्हें क्या कष्ट है इस शरीर सहित वेदन करने में? जब माँ माँ के गर्भ में उस स्वानुभूति का रस चखा जा सकता है भगवान आत्मा, माँ को हो या ना हो, माँ माँ को हो या ना हो, माँ उसका रस पी रही हो ना पी रही हो, लेकिन भगवान जी वो जीव उस तत्व का रस पी सकता है, स्वानुभूति को भोग सकता है, वो स्वानुभूति का रस स्वादन कर सकता है, तो भगवान आत्मा तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? क्या बता, नरकों में हो सकता है ये अनुभव जब हर जगह उपलब्ध है, तुम्हारी शुद्धात्मा हर जगह उपलब्ध है, तुम्हारी चेतना हर जगह उपलब्ध है, तुम्हारा वीतराग पदार्थ गायक तत्व भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है भैया, तो छायक समय दृष्टि अधिकतम 3 या 4 भाव में मोक्ष जाता, ये जब तुम्हारा ये वीतराग निर्विकल तत्व हर समय उपलब्ध है, तो भगवान आत्मा तुम्हें क्या आकुलता हो रही है अपने इस वीतराग तत्व के वेदन करने के लिए, स्वानुभव करने के लिए? जब माँ के गर्भ में हो सकता है भगवान जी वो वेदन, छायक समय दृष्टि भी कर सकता है, छायक कर सकता है, देखो छह सम्यक दृष्टि के लिए कोई बाधा है क्या? लेकिन छह सम्यक दृष्टि के लिए इसलिए गारंटी से नहीं कह सकते क्योंकि उसकी कोई मिथ्यात आदि प्रकृति का उदय आ गया तो न करे, क्योंकि उसको अंतराय है, अंतराय आ सकता है, छूट सकता है, इसलिए उसकी श्योरिटी से कहने में डर लगता है लोगों को, लेकिन हम तो कह रहे हैं वो भी कर सकता है, निर्दोष करता है भैया। इतनी सी बात, बस इतनी सी बात कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि भगवान जी भय काय का है, जब अनुभूति माँ के गर्भ में तक हो रही है फिर भय काय का, अरे कभी नहीं जाने वाली है शुद्धात्मा की अनुभूति, कभी नहीं जाने। छायक समय सम्यक दृष्टि को भैया देखो, छायक समय सम्यक दृष्टि यदि छायक सम्यक दृष्टि निरंतर चल रहा है तो 15 दिन के अंदर अंदर तो अनुभूति होनी है, और अनुभूति तो छोड़ो यदि 6 अवसर समय दर्शन चल रहा है उसका, तो नियम से उसको क्या कहते हैं प्रतीति तो चली रही है ना, प्रतीति नहीं चलेगी तथ्य की तो 6 अवसर समय दर्शन कैसे मानेंगे? फिर तो मिथ्यात् प्रकृति का उदय आ गया, अनंत अनुबंधी का उदय आ गया, या सम्यक मिथ्यात् का उदय आ गया तो उसका गुणस्थान ही गिर जाएगा। जैसे कि देखो कोई दूसरे गुणस्थान में मरे तो दूसरे गुणस्थान की ससाधन गुणस्थान में कोई मरे, दूसरे गुणस्थान में मरे अनंत अनुबंधी कसाय के उदय में कोई मरे तो दूसरे गुणस्थान का समय कितना भैया? 2 अवली 3 अवली अधिक से अधिक, तो 2 अवली है। मान लो कोई सम्यक दर्शन कोई दूसरे गुणस्थान में गिरे, मान लो हम दूसरे गुणस्थान में गिरे और दूसरे गुणस्थान में गिरते ही पहले समय हमारी मृत्यु हो जाए, अब हम बिगड़े गति में जाएंगे तो हमें कौन सा गुणस्थान रहा है? और यदि अगली पर्याय मनुष्य आ जाए तो कौन सा गुणस्थान रहा है? बस सीधी बात है, जब वहां दूसरा गुणस्थान नहीं बदल रहा तो ये छायक सम्यक दृष्टि और छह सम्यक दृष्टि का ये गुणस्थान कैसे बदल जाएगा? गुणस्थान कैसे बदल जाएंगे भगवान जी? जब तक कर्म प्रकृति के उदय नहीं आएंगे तब तक गुणस्थान नहीं बदलेंगे भैया। बात तो ये चल रही ना कि आप जब अपने तत्व की प्रतीति कर रहे हो, अपने तत्व का बोध कर रहे हो, तो बोध कहाँ चला जाए? वो तो बो ही रहेगा ना भगवान आत्मा, जो गुणस्थान आपका चल रहा है बोध वही रहेगा, वही वही प्रतीति रहेगी आप, ऐसा थोड़ी ना कि आपकी हाँ तो ये हम कह रहे हैं उदय में आ गया तो गुणस्थान से नीचे गिर गया हो, बस यदि मान लो मिथ्यात् का उदय आ जाएगा तो गुणस्थान से नीचे चला जाएगा जी। सहयोसम वही तो कह रहे छयोसम सम्यक दृष्टि की स्थिति बहुत अटपटी है भाई, और सबसे बड़ी अवधि भी 66 सागर तक रहना है इसको, और इसकी स्थिति स्थिति इतनी खतरनाक है कि आपसे चर्चा करते करते हो जाए और आपसे चर्चा करते करते छूट जाए, पता ही लगता है इसका कुछ भी। इसलिए भगवान आत्मा अपन आगम की बात तो कर रहे हैं लेकिन अपनी बात
सटीक पते की बात अपनी ये है कि भगवान आत्मा जागोरे चेतन आत्मा वो स्वानुभूति वो तत्व वो वीतराग तत्व वो अपने श्रद्धान के बल पे अपने को अनुभव में कभी भी आ सकता है। माँ के गर्भ में भी रह के तुम उस वीतराग तत्व का अनुभव कर सकते हो, नरक में रह के तुम उस वीतराग तत्व का अनुभव कर सकते हो, स्वर्गों में रह के चारों गतियों में कोई सा ऐसा स्थान शेष नहीं है जहां जिस स्वानुभूति ना कर सकता हो, एक भी स्थान ऐसा नहीं है। ये बहुमान करने की बात है भगवान, चारों गतियों में एक भी स्थान ऐसा नहीं बचा भगवान जी जहां तुम अपने स्वभाव का अनुभव ना कर सकते। छायक समय दृष्टि, छायक समय दृष्टि तो करेगा ही करेगा भगवान जी, क्यों नहीं करेगा, लेकिन वो बिगड़ेगा एक समय। हाँ देखो भैया, वो बिगड़े गति में क्योंकि अभी उसको क्या बोलते हैं कार्मण शरीर है भैया, कार्मण शरीर से भिन्नता रूप प्रतीति तो हमेशा ही रहेगी भैया। और अब बिगड़े गति एक समय के लिए गया, दो समय एक मोड़े वाली गति में गया, दो मोड़े में गया, तीन मोड़े में गया, अब ये उस तीन समय में जैसे स्वानुभूति काल आ गया तो क्या करेगा, क्या अनुभव नहीं करेगा। अब इसका बिगड़े गति को और एक बार पढ़ना है, लेकिन अभी देखते हैं, आज ही देखते हैं, लेकिन बिगड़े गति का तो नहीं, लेकिन माँ के गर्भ का तो 100% है। बिगड़े गति में भी, बिगड़े गति का भी जहां तक उससे स्वानुभूति, मेरे ख्याल से स्वानुभूति नहीं छूटना चाहिए। क्यों, स्वानुभूति कैसे छूट जाएगी, क्योंकि स्वानुभव है क्या, उस शरीर से भिन्न अपने तत्व का वेदन ही तो है, वो छायक समय दृष्टि अपने तत्व का वेदन क्यों छोड़ेगा। बस बात इतनी सी है, अब चर्चा का मूल सिर्फ इतना सा समझना है, क्या समझना भैया, बिगड़े गति का देख के बताएंगे, सिद्धांत नहीं कह रहे, बिगड़े गति के लिए हम सिद्धांत नहीं कह रहे, ठीक है, एक बार देख ले शाम को फिर बताते हैं। लेकिन बात इतनी सी है, समझना क्या, अपने को समझना ये है कि भगवान जी बात अपनी आत्मा के अनुभव करने की है, तो भगवान जी एक बार यदि ये स्वभाव दृष्टि में आ गया तो ये अनुभूति रुकेगी नहीं। भगवान बार 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 इस तथ्य की महिमा जला रहा है, जीवात्मा इस तथ्य को अपने श्रद्धान में प्रकट कर, इस तथ्य को अपने श्रद्धान में प्रकट करो, क्योंकि इस तथ्य का श्रद्धान ये जीव को कल्याण कराने वाला है। बार बार अपन इसकी ओर प्रेरित कर रहे हैं, बार बार अपन इस स्वभाव के बहुमान की ओर प्रेरित कर रहे हैं, जगा अपनी आत्मा। भगवान जी जैसे छायक सम्यक दर्शन की गारंटी है ना, छायक सम्यक दर्शन क्या गारंटी है कि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव इस भाव में यदि सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और आगामी गति बनी हुई है उसकी, तो देव और उसके बाद वाली गति में क्या भैया, मनुष्य और नियम से मोक्ष, ऐसा ही पंचम काल में जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे उनकी भी गारंटी है भैया। क्या गारंटी है, चार हजार छह भाव, यहाँ छायक वाले की तीन भाव की गारंटी है और यहाँ पंचम काल में सम्यक दर्शन ग्रहण करने वालों की छह सात भाव, बस इतनी निकटवर्ती भाव भी धारण करेंगे भैया सम्यक दर्शन, इतने काल में तुम्हारा निर्वाण पक्का हो जाएगा भैया, इतने मैक्सिमम है ये। लेकिन भगवान आत्मा जीव को काल का दोष तो दिखाई देता है, इस काल में प्रसाद नहीं हो रहा, भाव शुद्ध नहीं हो रहा है, कल्याण की भावना नहीं हो रही, ये तो दिखाई देता है कि निमित्त नहीं है, संयोग नहीं है, समोषण नहीं है, भावलिंग मुनि नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा ये दिखाई देता है क्या, क्या कि भगवान जी सुविधाएं कितनी है, काय की सुविधा, यदि इस समय तुमने अंत की रुचि बनाई तो तुम्हारा छोटा सा जीवन है, इस थोड़े से जीवन में तुमने तत्व को साधा, स्वरूप को साधा, अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव में साधा, तो कितनी जल्दी शीघ्र मोक्ष का मार्ग है, कितना शीघ्र मोक्ष का मार्ग है। लोग कहते हैं भैया कि पंचम काल अनिष्ट का मूल है, आप कह रहे हो भैया हितकारी, देखो भैया जिसे अपना काम बनाना उसके लिए तो हितकारी, क्यों काम बनाना हितकारी भैया, चौथे काल में हमें सम्यक की रुचि हुई थी या नहीं हुई थी ये नहीं मालूम, लेकिन पंचम काल में हमें जिन भगवान के वचनों की रुचि है, तत्व की रुचि है, अपने कल्याण की रुचि है, अपनी दृष्टि इन पर्याय के संयोगों से, इन पर भाव से उठ के भेद ज्ञान के लिए तत्पर हो रही है अपनी रुचि भैया, अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को गमने के लिए तैयार है, ये कल्याण की बात है भगवान, सीधी बात है। अप्पा पर पिछन, तो आज तीन दिन होगा इस गाथा को, इतने से विषय को बोलते हैं बस, अप्पा पर पिछन, तो आत्मा और पर को पहचानो। अब आप बताओ गुरु महाराज की बात सुनते सुनते आपको समझ में आया
आज तो आगम से भी चर्चा कर ली अपन ने, आगम तो रोज लेते हैं लेकिन अध्यात्म की भाषा ज्यादा लेते हैं। आगम की भाषा इसलिए नहीं लेते क्योंकि जीवों को भैया बहुत भारी लगता है। आगम के शब्द डालो और तो जीव हुए भगे, कितने भग गए आज देखे अपन, है तो जीव। तो आगम की भाषा डालो तो जीव को ऐसा लगता भैया कि छह सम ज्ञान बांट रहा है। तो बहुमान की चर्चा करो आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा, तो जीवों को जुड़ान होता है, लोग इसलिए जुड़ते हैं। तो भगवान जी बहुमान की बात करो तो उन्हें क्योंकि थोड़े ही समय है जीवों के पास और निश्चय को उन्हें पीना है, निश्चय को स्वीकार करना है, उन्हें निश्चय की बात बताओ मैं तत्व ऐसा सिद्धांत कराओ तो उन्हें बहुमान जागता है स्वभाव के प्रति, और फिर स्वाध्याय से रुचि लगा के वो खुद जानते हैं भैया कि क्या है चक्षु दर्शन, क्या चक्षु दर्शन, क्या मति ज्ञान, ये इन शब्दों का अर्थ स्वयं स्वाध्याय करे बिना नहीं समझा सकता। दर्शन उपयोग क्या है, ज्ञान उपयोग क्या है, जब तक ये स्वयं स्वाध्याय नहीं करेगा ना तब तक नहीं समझ सकता। इसलिए भैया अपन यहाँ आज अपन थोड़ा सिद्धांतों को लेके इस बात को सिद्ध किया है, क्या किया भैया, सहानुभूति तुम जब चाहे जब कर सकते हो, अपने अनुभव के मार्ग को बनाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, अपना अनुभव का मार्ग बनाने के। लेकिन भगवान आत्मा कितने दिन से आप सुन रहे हो अप्पा परपिक्षन, तो अप्पा परुपिक्षन, तो आत्मा और पर की पहचान करो भैया। आज तो पचास लग गया ना कि आत्मा क्या है, कि ना जीव आत्मा है अजीव आश्रवन, के लिए ही आत्मा नहीं है। तो भाई किसका परिणाम है, कि जीव की दृष्टि का परिणाम है, जीव की भाव का, जीव के भाव का परिणाम है, लेकिन आत्मा नहीं है भाई, अजीव है। और भाई संबर निजरा के लिए जे भी जीव नहीं है, तो के लिए क्या है, ये भी जीव की दृष्टि का परिणाम है, सम्यक का सम्यक रूप परिणाम है, ये भी जीव नहीं है भाई, ये भी जीव नहीं है। हाँ तो क्या है, कि ना ये जीव के कर्मों के क्षोभसम भाव से उत्पन्न हुई दशा है भाई, संवर और निजरा, वही कहाँ से उत्पन्न हुई है, कि ना जीव के जीव जीव की दृष्टि का परिणाम स्वभाव की ओर होने लगा तो ये मोक्ष मार्ग रूप दशा प्रकट हुई। कहना भाई जीव क्या है, कहना तुम आखिरी में जाओ मोक्ष, कहना जो मुक्त था जो मुक्त है जो मुक्त रहेगा, जहाँ जीव की अनादि अनंत सत्ता है वो जीव तत्व, वो जीव शुद्ध तत्व, वो ही मात्र जीव है। एक देश उपाधे उपाधे संबंध निचरा को भी मोक्ष मार्ग कहा है, मोक्ष नहीं कहा, सर्वदेश सत्य तो जीव का मुक्त स्वभाव ही है। इतना इतना बहुमान दिलाती जिनवाणी अपने को दिन रात, लेकिन भैया इतना बहुमान दिलाती है जनवाणी अपने को दिन रात, फिर भी अपन जनवाणी को सुनते हैं या जनवाणी सुनते हैं, जनवाणी मतलब दुनिया की बात सुनते हैं, दिन रात बहुमान भैया, दिन रात बहुमान। अरे माँ के गर्भ में तू शुद्धात्म अनुभूति कर सकता है, लेकिन अपन ने क्या कहा भैया कि हम तो पंचम काल में जन्म लिए हैं, पंचम काल में तो खैर सम्यक दृष्टि आ नहीं सकते, लेकिन अपन ने क्या कहा भैया अनादिकाल से, कि भगवान आत्मा अनादिकाल से क्या पायरा बना के आए भैया, निमित्त नहीं मिले, संयोग नहीं मिले, हमने सत्य को नहीं जाना। अरे लेकिन कभी अपन ने ये नहीं कहा कि हमारी रुचि नहीं है, नरकों में स्वानुभूति, नरकों में निर्विकल तत्व का वेदन, माँ के गर्भ में निर्विकल तत्व का वेदन, स्वर्गों में निर्विकल तत्व का वेदन, त्रियंशों में निर्विकल तत्व का वेदन, अरे हर स्थान पर वो आत्मा का अनुभव करना सुगम है। लेकिन भगवान आत्मा जब हर स्थान पे उस आत्मा के अनुभव करना सुगम है तो जीवात्मा अपन क्यों नहीं कर पाए। अब भैया यदि कोई कहे कि भाई आप तो कह रहे हो कि माँ के गर्भ में शुद्धात्म अनुभूति कर सकता है, तो 8 वर्ष के पहले तो भैया सम्यक दर्शन होता नहीं, भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा है, छायक सम्यक दृष्टि वहां अनुभव कर सकता है ये कर रहा है, सिद्धांत उल्टा नहीं पकड़ लेना। नहीं तो कहो भैया कि 8 वर्ष के पूर्व सम्यक दर्शन कैसे हो गए, जिसे छायक सम्यक दर्शन है वो कर सकता है वहां वेदन, जिसे छायक सम्यक दर्शन है वो वेदन कर सकता है, आपको वहां सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं कह रहे हम, ठीक है। इस सिद्धांत को सीधा का सीधे लेना भैया, तो अपनी क्या बात चल रही है भैया, वो सम्यक दृष्टि के लिए सत्य की रुचि रखने वाले के लिए, तत्व की रुचि रखने वाले के लिए अपना ये सहज स्वभाव हर जगह साथ दे भाई, हर जगह साथ दे, लेकिन रुचि तो लगे भगवान जी आत्मा की। भैया 7 तत्वों का सिद्धांत कर लिया हम, क्या कर लिया भैया,
कि मैं जीव तत्व, तो ये अजीव कौन है? जब सात तत्वों का हमने श्रद्धान कर लिया कि मैं तो जीव तत्व भगवान आत्मा भाई, तो ये अजीव कौन है? कौन है अजीव बताओ तो? शरीर तो पुद्गल है, अजीब थोड़ी ना होने अजीब। तथ्य की बात, अजीब तथ्य की बात कर रहे हैं हम, अजीब हम अजीब की बात नहीं कर रहे, अजीब तथ्य की बात कर रहे हैं। आपने स्वभाव सही दिया, मेरे अलावा जो भी अजीब, मैं कौन हूं? अजीब मतलब क्या? अरे भगवान जी है, अरे मन में आतुर होके जो भिखारी प्रणाम कर रहा है वो अजीब। अजीब तत्व अर्थात अजीब तत्व कोई अभ्यालित समझाया था हमने भगवान जी, अजीब कोई दूसरा थोड़ी ना है। अजीब कौन है? यह तत्व की बात चल रही है, सिर्फ सात तत्व, तत्व आत्मा का ही विषय है। अजीब कौन? जो जो तेरा विपरीत परिणाम चल रहा है वही अजीब का भाव है। मन में एकत्र करके, मन की धारा में जो अपनत्व करके जो पर रूप तू परिणाम कर रहा है ना, वही अजीब है। अजीब कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तत्व तेरी दृष्टि का विषय, तेरा दृष्टि विभाव है। आश्रव क्या है? तेरा राग भाव, तेरा देश भाव। बंध क्या है? इससे जो कर्म आत्म प्रेसों का जो परिस्पंदन कर्म आकर ठहर रहा है ना, ये बंध। तेरी दृष्टि का ही परिवर्तन संभर, तेरी दृष्टि का परिवर्तन निजरा, और तेरी दृष्टि का परिवर्तन ही मोक्ष। भगवान जी सिर्फ सात तत्व, सिर्फ जीव की दृष्टि का, जीव का अपना परिणाम है। जैसा जीव देखता है, जैसा जीव स्वीकार करता है, वैसा जीव परिणमित हो रहा है। जहां जीव को अपने तत्व को देखो भैया, सात तत्व याद कर लिए लेकिन अपने ऊपर उन्हें नहीं हटाया ना, तो कोई सिद्धांत नहीं। और यदि सात तत्वों का यदि अपन ने परिभाषा पढ़ी, याद करा और उन्हें अपने जीवन में घटाया, तो कार्यकारी अभी हम दर्शन उपयोग भी नहीं सुना, प्रश्न कैसे करें? पता भगवान जी, अभी इस चर्चा में चर्चा सुनते सुनते दर्शन उपयोग क्या है पता? अभी अली पूछा था, थोड़ी आखिरी टाइम बस छोड़ रहे हैं हम आपको। दर्शन उपयोग क्या है जल्दी बता। अरे जल्दी बताओ, कोई म्यूट खोलो। हाँ तो अभी क्या है इस समय दर्शन उपयोग क्या है? काय से हो रहा सामान अब लोकल हाँ, ये शब्द रूप जो सामान्य शब्द अवलोकन हो रहा है कर्ण इंद्रिय का विषय, ये सामान अवलोकन। और इसमें भैया आप इसमें ज्ञान उपयोग क्या है? जो मति ज्ञान का जो अग्रही आवाय धारणा रूप जो परिणाम ज्ञान का विषय बन रहा है वो ज्ञान उपयोग है। उस ज्ञान उपयोग में मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इस प्रकार से जब दिन भर अपन अपना चिंतन करके अपने उपयोग को पकड़ेंगे, अपनी दृष्टि को पकड़ेंगे, उस वस्तु के स्वभाव को पकड़ेंगे, जब सम्यक दर्शन के निकट जाने का काम बनेगा। तो यदि भैया अपन इस दर्शन उपयोग को ना पकड़ पाए, अपन इस ज्ञान उपयोग को ना पकड़ पाए, अपन यदि अपने तत्व का स्वयं विचार ना कर पाए और पर तत्व का विचार करते रहे भैया, तो कभी भी अपना मोक्ष का मार्ग बनने वाला नहीं। यदि काम बनाना है तो तारण स्वामी की इस बात को हृदय से आत्मसात करना पड़ेगा भैया। क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? अपा पर पिक्षन, आत्मा और पर को पहचानो, तो अपने उपयोग को देखो तो कि हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है, हमारे उपयोग में क्या चल रहा है, हमारे उपयोग की परिणति कहाँ बह रही है और हमें करना क्या भैया, हम करना क्या चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हम मोक्ष 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 कहते जा रहे हो और भैया मुक्ति की हमारी राह ही ना हो, मुक्ति की हमारी डगर ही ना हो, मुक्ति के लिए हमें रुचि ना हो भैया, हम मोक्ष मोक्ष चिल्लाते जा रहे हो पर हमें अपना उपयोग ही पकड़ में ना आ रहा, हम अपने उपयोग को ही नहीं जान पा रहे भैया। अपन आज का विषय क्योंकि लंबा हो गया है और बहुत देर हो गई है, सारभूत बात कहकर हम आपको यहाँ आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं।
क्या कह रहे हैं भगवान जी कि अपन अपने ऐसे उपयोग की संभाल को समझे, ऐसे अपने उपयोग को पकड़े कि अपना दर्शन उपयोग क्या है, अपना ज्ञान उपयोग क्या है, अपने को स्वीकार कैसे करना है। और भैया मूल पते की बात कि जब तक आपका श्रद्धान सम्यक्त नहीं होगा, जब तक आप स्वयं अपनी चेतना से नहीं जुड़ोगे, जब तक सम्यक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आपका दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग स्वा की ओर पलटने वाला नहीं। और जब तक स्वा की ओर नहीं पलटेगा तब तक स्वानुभूति नहीं होगी। एक बार स्वा की ओर पलट गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो फिर अनुभूति तुम कहीं भी कर लेना, माँ के घर में भी बैठ के कर लेना तो आत्मा की अनुभूति होगी, नरकों में भी कर लेना तो भी होगी। एक बार यदि तुमने इस तत्व को पी लिया, इस तत्व को समझ लिया, इन सिद्धांतों को जान के अपना काम बना लिया, भगवान की वाणी का यदि अवलोकन कर लिया हृदय से, तो भगवान आत्मा ये भाव बंधन, ये भाव भ्रमण की सारी धाराएं समाप्त हो जाएंगी। मूल है तत्व। तत्व की चर्चा है इसलिए कि जीव को स्वतत्व का विचार हो, स्व की चेतन में शक्ति की ओर जीव का परिणमन मुड़े, तो भैया ये जीव अपने कल्याण कर सकता है, अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। और आज का होमवर्क याद रखना भैया सबको, कितने लोग हैं, 61, सबको लिए होमवर्क है कि आज अपना दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग का जो अपना चैप्टर है उसे लिखना है, उसे अपनी कॉपी में तैयार करना कि अपन ने क्या समझा। क्यों? क्योंकि आप जब स्वयं अभ्यास करोगे तो आपको अपना पकड़ में आएगा भैया, और स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे तो पकड़ में आने वाला नहीं है। तो भैया सभी जीव इस आत्मचर्चा को सुन के, गुरुदेव की वाणी को सुन के अपने कल्याण का मार्ग बनाए। अब विशेष आगे के 10 मिनट की चर्चा उदय भैया लेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।